अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वान मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और एगलेस लावा केक है, ठीक है। इसमें बिल्कुल अंडे नहीं है, अंडे की जगह हम दही डालेंगे। आप देखिएगा किस तरह मैं बनाती हूँ। सो मेरे पास सबसे पहले यहाँ मक्खन है और चॉकलेट है, दोनों आधा कप है, ठीक है। सो मक्खन एंड चॉकलेट को आपने एक पैन में रख देना है। ये चपकी हुई चॉकलेट है, ये चली गई, एंड फीका अनसॉल्टेड मक्खन, और इसको आपने अच्छी तरह हल्की आंच पे पिघलाना है। हायर का हम हॉब यूज कर रहे हैं और ये 90 सेंटीमीटर्स वाइड है, तीन बर्नर्स हैं इन अ रो, और आप देखेंगे ये जो है ये ब्रास के हैं और बहुत ही अच्छे चूल्हे हैं। सो यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया था फॉर माय राइस, लेकिन चावलों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से मैं बनाऊँगी, तो आप देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा और बनाइएगा। सो जब तक यहाँ मक्खन और चॉकलेट हल्की आँच पर मैं पिघला रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं मैरिनेट करके रख दूँ चिकन को। सो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें चिकन में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। फिर इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अच्छी तरह हमें इसको मिक्स करना है और इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक और सारे मसाले गरम मसाला पाउडर के साथ साथ, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। इसको आप लोग मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि चिकन में ज़रा अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। यहाँ मीनवाइल चॉकलेट को और मक्खन को भी इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये पिघल के थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसको बेक करने रखेंगे। रैमेकिन्स मैंने रेडी करके वहाँ रखे हुए हैं, ये देखें, चॉकलेट और मक्खन पिघल चुका है, तो इसका हमने चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हायर के बिल्ट इन ओवन में हम इसको बेक करेंगे। इट विल गिव ऑल योर बेक्ड गुडीज अ वेरी प्रोफेशनल टच, प्रोफेशनल बेकर एट होम आप बन जाएंगे। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, अब चिकन को भी मुझे साथ साथ पकाना है, बिकॉज फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा। आप लोगों के पास जब घर में टाइम हो तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छी तरह ओवरनाइट या फिर चंद घंटों के लिए मैरिनेट करके चिकन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं तेल गरम करके सबसे पहले हम प्याज शामिल कर देते हैं यहाँ, और साथ साथ मैं चावल भी चढ़ाना चाह रही हूँ। अब चावल के लिए बॉईल नहीं करेंगे, देखें मैंने पानी यहाँ गर्म करने रख दिया था, लेकिन हम इसको चावलों को भी ज़रा सॉटे करेंगे। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, तेल डालेंगे यहाँ, उसमें हम साबुत, ये मेरे पास गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला चला गया। फिर मुझे स्टॉक में पकाना है, सो चिकन स्टॉक क्यूब जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ इलायची पाउडर भी डालना चाह रही हूँ इन माय चिकन, ठीक है। ये छोटी हरी इलायची का पाउडर बहुत अच्छा एक टेस्ट इसका आएगा। साबुत गरम मसाले के साथ मैंने यहाँ इसमें शाही ज़ीरा भी डालना है। तो प्याज यहाँ हो रहा है, और जब थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी। मीनवाइल यहाँ मुझे चावल डालने हैं। चावलों का एक्स्ट्रा पानी फेंक दीजिएगा। वी विल स्टिल नीड सम वाटर बिकॉज हम सूप टाइप चावल बना रहे हैं। सो यहाँ आपने साबुत गरम मसाला और शाही ज़ीरा तेल में ज़रा कड़कड़ाया, तो चावल डाल दिए और स्टॉक क्यूब, चिकन का एक स्टॉक क्यूब आपने डाल दिया। प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन करना है और यहाँ चावल भी पकने के लिए मैं इसके सूप में ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ये इसी में हो जाए।
मीनवाइल जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को आप पकने के लिए छोड़ दीजिए और यहाँ चावलों को देखिए कि चावलों में हमने पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा। लेट द राइस कुक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ मेरे पास है रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और ज़ाफ़रान, थोड़ा सा दूध, धनिया पुदीना, लंबाई में कटी हुई अदरक और ब्राउन प्याज, ये सब कुछ ऊपर जाएगा। और अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत हो तो आई हैव गॉट सम गर्म पानी हियर, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम शामिल करेंगे। जब तक यहाँ चिकन हमारी पक रही है, चावल पक रहे हैं, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। देखते रहिए हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। यहाँ मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान लूँगी, जस्ट अबाउट अ पिंच, ठीक है। और इसको हम यहाँ दूध थोड़ा सा है उसमें डाल देंगे। और अगर अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा तो दूध में जाते ही इसका कलर चेंज हो जाता है, विच यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर, थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये दोनों चीज़ें डालेंगे एंड दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू गो ऑन टॉप, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है। अदरक है, धनिया पुदीना है, ब्राउन प्याज है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। चावल हमारे यहाँ पक रहे हैं, अगर एक्सेस होगा पानी तो फिर मैं उसको निथार दूँगी। सूप का स्टॉक क्यूब मैंने इसमें डाला हुआ, एक चिकन स्टॉक क्यूब, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हर दफ़ा सिर्फ बॉयल चावल नहीं रखा करें, इस तरह के सॉटेड चावल भी होंगे तो बहुत अच्छा एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द चिकन। चिकन को देखें, अच्छी तरह आपने उसको सियर करना है दोनों तरफ से। और जो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा गर्म पानी है वो मैं ले लेती हूँ टू ऐड इन दिस। चावल वगैरह भी बॉईल करते वक्त साथ में एक पैन हमेशा रखा करें जिसमें आपके पास इस तरह गर्म पानी हो, ताकि इजी हो फॉर यू टू पुट सम हॉट वाटर इन। चिकन को अच्छी तरह पकने दीजिएगा। बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन बोन्स वाले चिकन से हमेशा उसका एक बहुत अच्छा स्टॉक बनता है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। चलें, जब तक यहाँ चूल्हे पे हम काम कर रहे हैं हायर के हॉब पे, तो हायर का बिल्टन ओवन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चॉकलेट और मक्खन यहाँ अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, आधा आधा कप मैंने लिया था, ठीक है। मैंने चॉकलेट लिखी है क्वार्टर कप, लेकिन आई वॉन्टेड टू मेक इट नाइस एंड यमी, सो मैंने ज़रा ज़्यादा चॉकलेट ली है। लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट डजंट हार्म, है ना। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा इसमें डाल दूँगी। अंडे नहीं हैं, दही का इस्तेमाल हम करेंगे और बेकिंग सोडा। सब चीज़ें तोल के नाप के मैं लेके आती हूँ, सो मेक श्योर सारी चीज़ें इसमें हों। अच्छा, चावलों का चूल्हा मैं बंद कर दूँगी बिकॉज फिर चावल कहीं ओवर डन नहीं हो जाए। चिकन को हम होने देते हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर हमें डालना है 6 चम्मच। नाउ ये कोको पाउडर मेरा बहुत डार्क क्वालिटी का है तो मैं ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी, ठीक है। ये हो गया, सो कोको पाउडर भी हो गया। और चॉकलेट और मक्खन हमें इसमें शामिल करना है। चीनी है, सो बिकॉज चीनी यहाँ मैंने रखी हुई है तो हम चॉकलेट और मक्खन में ही ये चीनी भी डाल देते हैं। चलिए, ये हो गया। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। हर चीज़ हमें मिक्स करनी है, दही भी इसमें जाएगा। दिस इज़ एन एगलेस लावा केक, ओके। और मिक्स कीजिए इसको, ये भी इसमें शामिल कर दीजिए। मेरे पास बड़े 4 रैमेकिन्स हैं, छोटे में भी कर सकते हैं आप। और लावा केक को कभी भी ओवर बेक नहीं करते हैं, वरना लावा केक विल टर्न इनटू अ कप केक।
ठीक है जी। मक्खन और चॉकलेट को पहले पिघलाइएगा, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दूध और दही और चीनी। थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए शायद मैं चला लूँ एक दफ़ा बीटर, या डू दैट। अच्छी तरह इसमें से मैं चॉकलेट और मक्खन निकालना चाह रही हूँ, बिकॉज़ ये कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, ये भी हो गया। चिकन हमारी हो रही है, पानी ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। और दूध थोड़ा सा पहले डालेंगे, जस्ट अबाउट 2 tablespoons, और उसके बाद इफ़ वी नीड मोर वील ऐड, बट आई स्टिल फील कि मुझे ज़रा एक दफ़ा इसमें जस्ट फॉर द स्मूथनेस ये बीटर चलाना पड़ेगा। सो दैट जो लम्ब्स हैं दही के वो निकल जाएं। अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हो गया एगलेस लावा केक का। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडे नहीं हैं। बहुत सारे हमारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, जो वेजिटेरियन हैं या अंडा नहीं खाना चाहते हैं, या उनको एगलेस चीज़ें अच्छी लगती हैं, या वो अंडा हज़म नहीं करना कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी रेसिपीज़ मैं लेके आती हूँ। तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइए और सारी चीज़ें बनाइए और ट्राई करिए। जब हम चावल लेयर करेंगे चिकन के साथ, तो जो कसर बाकी होगी चावलों की वो उसमें हो जाएगी। 3/4 डन है अभी, ठीक है, फुल डन मैंने नहीं किए हैं। चलिए ये भी हो गया। अब मैं इसको यहाँ से एक ब्रश ले लेती हूँ और रैमेकिन्स जो मेरे हैं उनको यहाँ ला के ब्रश से आप इसको ग्रीस कर दीजिए। ओह, देयर इज नो प्लेस। मक्खन या तेल से अच्छी तरह साइडों पे भी लगाइएगा, ताकि आराम से आप इसको इन्वर्ट कर सकें, ओवरटर्न कर सकें, तो ये चिपके ना। लावा केक आप कपकेक के केसेस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप रैमेकिन्स में ही करिएगा। इंडिविजुअली एक एक आप रख दीजिएगा सबके सामने, या फिर आप इसको ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करिए इसको, एंड देन थोड़ा सा मुझे लगता है दूध और जाएगा भी। सी अबाउट 2 tablespoons भर के मैंने दूध डाला है, ताकि बैटर जो है वो थोड़ा सा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो। अच्छी तरह 3 बनाएंगे हम, और हायर के बिल्ट इन ओवन में मैं रख दूंगी इसको फौरन। डोंट लीव इट आउट, ठीक है। अब मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो। वेलकम बैक। आप ब्रेक से वापस आ गए हैं, देख रहे हैं आप हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो। चिकन इज डन। अब इस सारी चिकन को लेके मैं यहाँ रख दूंगी। आधे चावल मैंने निकाल दिए थे, ठीक है जी। इस तरह अच्छी तरह चिकन को स्प्रेड कर दीजिएगा, और बकिया जो चावल थे वो इसके ऊपर जाएंगे। और दम पे मैंने यहाँ नीचे एक तवा भी रख लिया है, जो भी कसर बाकी होगी वो दम पे हो जाएगी। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स पुट ये जो ज़ाफ़रान वाला दूध था ये जाएगा, इसके अंदर रोज़ वाटर और केवरा वाटर भी था।
ठीक है। फिर अदरक है लंबाई में कटी हुई थोड़ी सी, ये जाएगी। धनिया और पुदीना जाएगा। और थोड़ी सी ब्राउन प्याज। बस अब दम पे इसको छोड़ देंगे। मीनवाइल 8 से 10 मिनट से ज़्यादा आपने एगलेस लावा पुडिंग को या एगलेस लावा केक को नहीं बेक करना है, ठीक है? वरना क्या होगा, अंदर से वो पूरा पक जाएगा बीच में से, तो वो एक कप केक बन जाएगा, लावा केक नहीं रहेगा। अब लावा केक के लिए यू हैव टू मेक श्योर, इफ़ यू कैन सी, देखें कितना क्लियर कांच है हायर के बिल्ट इन ओवन का, यू कैन सी थ्रू। मुझे खोल के भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। रैमेकिन्स में आप देख सकते हैं तीनों में राइज हुआ है, इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों था, इसलिए कि इसमें हमने अंडे नहीं डाले थे, अंडे की जगह हमने दही डाला था। और ये राइज हो रहा है, 7 से 10 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, निकालिएगा। बहुत गर्म होंगे, सो मेक श्योर कि थोड़ी देर के लिए आप उसको रखें और फिर उसको ओवरटर्न करिएगा। लेकिन ओवरटर्न करने से पहले एक ब्लंट नाइफ लीजिएगा, वो बिल्कुल ऐसे साइड्स पे रैमेकिन्स के फिराइएगा और फिर ओवरटर्न करिएगा। फ्रेश फ्रूट के साथ या ऑन इट्स ओन या क्रीम विप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिरयानी हमारी दम पे आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पानी ऊपर आ रहा है। वेन एवर यू सी दैट, उसका मतलब है कि चावलों में स्टीम बन रही है और दम पे आ रहा है, ठीक है? सो वी हैव टू सर्व यू दिस। और सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो बस अब मैं एक प्लेटर पर निकाल देती हूँ। क्विक रेसिपीज़ हैं, स्मार्ट कुकिंग है, कम तेल है, ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान में ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, सो डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू नोट डाउन ऑल दीज रेसिपीज़। 4:30 बजे पीर से जुमा हमारा शो है रमज़ान में, सो डेफिनेटली फॉलो एंड यूज़ ऑल दीज लवली हायर अप्लायंसेस। आगे के एपिसोड्स में और भी दूसरी चीज़ों से मैं आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं इफ़ यू आर अ पोटैटो फैन लाइक मी। मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है, लेकिन नॉर्मली आई डू। ठीक है जी, हमारे शो पे कम वक्त है इसलिए मैंने ज़रा दम का टाइम कम दिया हुआ है, लेकिन आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली आप सही तरह इसको दम पे आने दीजिएगा और ये सारी रेसिपीज़ हमारी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें, लिटिल बिट मोर ऑफ ब्राउन प्याज एंड हरा धनिया एंड देन वी पुट दिस हियर। अच्छा जी, रायते के साथ सर्व कर दीजिएगा। मीनवाइल जो मेरे लावा केक्स हैं उनको भी मुझे निकाल के आपको दिखा देना है एंड दिस वी आर गोइंग टू पुट हियर, यहाँ रखते हैं। बंद कर देते हैं। बहुत बहुत गर्म है, अब मैं कैसे इस टाइम पे मैं ओवरटर्न करूं? रीकैप हम ले लेते हैं और फिर आके विल सी इफ़ वी कैन टर्न इट, ओवरटर्न इट एंड शो यू। देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो। चिकन बिरयानी, अज्जा चिकन 1 किलो, भीगे चावल 1/2 किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, तेल 3 खाने के चम्मच, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 2 अदद, काली इलायची 1 अदद, चिकन स्टॉक 5 कप, ज़ाफरान के रेशे चंद अदद, दूध 1 खाने का चम्मच, शाह जीरा 1 चाय का चम्मच, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तली प्याज 2 अदद, पुदीना हंस पे ज़रूरत, हरा धनिया 1/2 कप, केवड़ा 2 खाने के चम्मच, अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच। तरकीब, चिकन पर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पिसा गर्म मसाला, इलायची पाउडर, नमक और दही डाल के 1/2 घंटा मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची और काली इलायची थोड़ी देर सौते कर लें, फिर इसमें चावल शामिल करके सौते करें, उसके बाद इसमें चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने तक पकाएं और छान लें। अब चावल थोड़े गलने तक पकाएं, फिर ज़ाफरान दूध में भिगो लें। अब तेल गर्म करके शाह जीरा सौते कर लें और मैरिनेट की हुई चिकन डाल के चावलों को फैलाएं।
उसके बाद इस पर भीगा ज़ाफ़रान डाल दें। अब इस पर अदरक, तली प्याज, केवड़ा, प्याज हरा धनिया और पुदीना डालें। आखिर में इसे दम दे के सर्व करते हैं। एगलेस लावा केक। अच्छा, मैदा आधा कप, कोको पाउडर 6 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, चॉकलेट 1/4 कप, मक्खन आधा कप, कस्टर्ड शुगर आधा कप, दही 3/4 कप, दूध आधा कप। तरकीब, पहले मैदा छान लें। अब प्याले में बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के मिक्स करें। उसके बाद एक पैन में मक्खन और चॉकलेट को मेल्ट कर लें। अब कस्टर्ड शुगर को चॉकलेट के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसे मिक्सचर में फोल्ड कर लें। अब मिक्सचर में दही और दूध अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। एगलेस लावा केक तैयार है। जी, तो आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट करी होंगी। एगलेस लावा केक मैंने बनाया था और चिकन बिरयानी बनाई थी, और मैं आराम से यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ, सो आई हैव गॉट माय हायर डीसी इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, और उसकी ठंडी ठंडी हवा में मैं आराम से अपने लाउंज में बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद आई एम गोइंग टू ओवरटर्न दीज, एंड जब तस्वीरें आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लावा केक हैज़ बीन ओवरटर्न। ठीक है, और ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।